press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. मैं विनोद चौधरी एक बार फिर आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें आज एक्सरसाइज जो 7 है उसके एग्जांपल स्क्रीन जो कि बोर्ड के अंदर 6 मार्क्स का आता है। तो एग्जांपल फर्स्ट कोट थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा मल्टीप्लाई सेक थीटा आपको प्रूव करना है। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड कोट थीटा प्लस टेन थीटा, ये कोट थीटा प्लस टेन थीटा एक्सरसाइज में आ चुका है अपने, तो सेम वो का वही है। तो इसमें कोट और टेन दोनों को अपने को साइन और कोस में कन्वर्ट करेंगे, तो कोट थीटा को लिख देंगे कोस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है, और प्लस टेन होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ये टेन और कोट को साइन कोस में कन्वर्ट कर दिया। अब इनका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम दोनों जो डिनोमिनेटर है वो डिफरेंट है, तो एलसीएम इनका आ जाएगा मल्टीप्लाई साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब साइन का इसमें डिवाइड करेंगे, साइन कैंसिल हो गया कोस बचेगा, कोस का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर कोस से होगा, तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस का इसमें डिवाइड करेंगे कोस कैंसिल होगा, साइन बचेगा साइन का साइन से मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर थीटा। अब न्यूमरेटर में जो आइडेंटिटी बन रही है, फर्स्ट कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होता है 1, तो 1 अपॉन साइन थीटा मल्टीप्लाई कोस थीटा। अब आंसर आपको कोसेक थीटा मल्टीप्लाई सेक थीटा लेकर आना है, तो इसके लिए ये जो अपॉन में साइन और कोस है इनको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, 1 अपॉन साइन थीटा मल्टीप्लाई 1 अपॉन कोस थीटा, क्योंकि 1 का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 होगा, साइन कोस से मल्टीप्लाई करेगा तो साइन थीटा इंटू कोस थीटा आ जाएगा। अब इन दोनों को अपन इस तरह से लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन ये कोसेक का इनवर्स होता है, तो ये हो गया कोसेक थीटा मल्टीप्लाई 1 अपॉन कोस होता है सेक थीटा, राइट हैंड साइड। नेक्स्ट एग्जांपल सेकंड, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, आंसर इसका 1 लेकर आना है। तो ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा ये आइडेंटिटी होती है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है। अब यहां पे ये प्रोसेसिंग अपन ने एक्सरसाइज के क्वेश्चनों में की है, तो a प्लस बी ए माइनस बी, तो यहां ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा, तो मल्टीप्लाई में ए स्क्वायर तो ए की जगह 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, माइनस साइन तो साइन का स्क्वायर थीटा हो गया ये। तो यहां पे जो भी आइडेंटिटी लिखी है वो आप आगे ब्रैकेट में यहां पे लिख सकते हो। एक तो अपन ने लगाई है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये होता है सेक स्क्वायर थीटा होता है। एक अपन ने लगाई है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी। और अब यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये आइडेंटिटी साइन में होती है, फर्स्ट जो आइडेंटिटीज है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये मेन आइडेंटिटीज है, तो ये लगेगी यहाँ पे, क्योंकि 1 में से अगर साइन स्क्वायर माइनस होता है, इस 1 में से ये साइन स्क्वायर का माइनस होता है तो यहाँ रिमेनिंग रहता है कोस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर लिख देंगे कोस स्क्वायर थीटा, और इधर मल्टीप्लाई में है सेक स्क्वायर थीटा, ये दोनों मल्टीप्लाई में है और दोनों पे पावर है 2, तो दोनों पे अपन कॉमन पावर लगा सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा को इस तरह से लिख सकते हैं सेक थीटा मल्टीप्लाई कोस थीटा, और ये इसका होल स्क्वायर। अब देखो सेक है वो कोस का इनवर्स होता है, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस मल्टीप्लाई कोस थीटा का होल स्क्वायर, ये कोस से कोस कैंसिल हो गया तो 1 का स्क्वायर बचेगा, 1 का स्क्वायर होता है 1, तो ये 1 लेकर आना था, तो ये राइट हैंड साइड। अच्छा एग्जांपल है, ये 3 नंबर में आ सकता है, एग्जांपल 1 अपॉन 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, आंसर लेकर आना है 2 sec स्क्वायर थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड में ये दोनों प्लस में है, ये साइन के अंदर ही है, तो इसको अपने कन्वर्ट तो करना नहीं है किसी में, तो अब इन दोनों का अपने को एलसीएम लेना है, तो एलसीएम में दोनों ये डिफरेंट है 1 प्लस साइन और 1 माइनस साइन, तो एलसीएम आ जाएगा इनका मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन थीटा, ये एलसीएम आ गया इसका। अब 1 प्लस साइन से इसमें डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा बचेगा, 1 माइनस साइन थीटा का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 माइनस साइन थीटा प्लस
वन माइनस साइन थीटा से इसको डिवाइड करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, वन प्लस साइन थीटा बचेगा, इसका वन से इंटू होगा तो ये वन प्लस साइन थीटा। अब यहाँ पे ये साइन थीटा माइनस का है, ये साइन थीटा प्लस का है, ये दोनों कैंसिल हो गए, वन और वन हो जाएंगे, ये टू अपॉन, अपॉन के अंदर आइडेंटिटी लग रही है ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये आइडेंटिटी ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग ए स्क्वेयर ए की जगह वन है तो वन का स्क्वेयर वन हो गया माइनस बी, बी का स्क्वेयर तो साइन स्क्वेयर थीटा। अब वन माइनस साइन स्क्वेयर थीटा इस फर्स्ट आइडेंटिटी से, अगर वन में से साइन स्क्वेयर माइनस होता है तो कोस स्क्वेयर बचता है, तो टू अपॉन कोस स्क्वेयर थीटा। अब इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, टू इंटू वन अपॉन कोस स्क्वेयर थीटा, तो वन अपॉन जो कोस होता है वो सेक, क्योंकि कोस और सेक एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, तो टू इंटू वन अपॉन कोस सेक होता है, तो वन अपॉन कोस का जो स्क्वेयर होगा वो हो गया सेक स्क्वेयर थीटा। ये राइट हैंड साइड हैंड प्रूव्ड। एग्जांपल नंबर फोर, वन प्लस कोस थीटा अपॉन वन माइनस कोस थीटा का स्क्वेयर रूट, आंसर लाना है कोस सेक थीटा प्लस कोट थीटा। तो ये अपन ऐसा क्वेश्चन किया हुआ एक्सरसाइज में, वो साइन में था, तो ये क्वेश्चन 2018 बोर्ड के अंदर आया था, तो इसमें भी सेम वही रेशनलाइज करेंगे, तो इसके लिए वन माइनस साइन थीटा है तो आपको इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या माइनस है तो प्लस वाले से, क्योंकि स्क्वेयर रूट अपने को रिमूव करना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय वन प्लस कोस थीटा का अंडर रूट, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हिंदी में लिख दो अंश में हर में, वन प्लस कोस थीटा के अंडर रूट से गुणा करने पर। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई के अंदर दोनों पे कॉमन आप रूट का साइन लगा सकते हो, वन प्लस कोस थीटा अपॉन वन माइनस कोस थीटा। अब आपको न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में वन प्लस कोस थीटा के अंडर रूट से मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई के अंदर दोनों पे कॉमन स्क्वायर रूट लगा सकते हैं, तो यहाँ पे वन प्लस से करना है, ये वन प्लस कोस थीटा है इसका, ये न्यूमरेटर में कर दिया और ये डिनोमिनेटर में कर दिया, तो दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो रहे हैं, तो अपन मल्टीप्लाई वन से कर रहे हैं, और वन से मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे न्यूमरेटर के अंदर वन प्लस कोस थीटा है, यहाँ पर भी वन प्लस कोस थीटा है, तो दोनों मल्टीप्लाई करने पर अंडर रूट के अंदर, अंडर रूट के अंदर आ गए हैं वन प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, अपॉन में, अपॉन में वो आइडेंटिटी लग रही है ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए का स्क्वायर तो वन का स्क्वायर हो गया वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा, बी की जगह कोस है तो कोस स्क्वायर थीटा। अब आगे अंडर रूट के अंदर ही वन प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा। अब दोनों पे जो स्क्वायर है वो इस स्क्वायर रूट को रिमूव कर देंगे, तो यहाँ पे अपने पास रिमेनिंग पार्ट बच गया वन प्लस कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। अब आंसर में अपने को कोसेक और कोट में लेकर आना है, तो ए प्लस बी अपॉन सी का फॉर्म है, तो साइन थीटा को दोनों न्यूमरेटर में आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, वन अपॉन साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, वन अपॉन साइन थीटा होता है कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है कोट थीटा, तो ये आ गया आरएचएस हैंस प्रूव्ड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर, तो ऐसा क्वेश्चन पर एक्सरसाइज में कर चुके हैं, अगर ये स्क्वायर है तो इधर अगर आप स्क्वायर रूट लगाते हो तो आंसर आता है सेक थीटा माइनस टेन थीटा, तो ये उसी को चेंज करके नया बना दिया पैटर्न, भी ये स्क्वायर है तो इधर इसका स्क्वायर रूट हो जाता है, तो अपने पास आंसर बचता है सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब इधर वाला स्क्वायर रूट रिमूव कर दिया तो इस पे स्क्वायर लग गया, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर आपको ये प्रूव करना है, तो यहाँ आंसर साइन के अंदर आ रहा है, तो सेक और टेन को अपन साइन और कोस में कन्वर्ट कर लेंगे, तो सेक थीटा कोस का इनवर्स होता है, तो इसको लिख सकते हैं वन अपॉन कोस थीटा माइनस टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और इसका ये स्क्वायर। अब ये दोनों सब्ट्रैक्ट के फॉर्म में है, तो इनको आप एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो दोनों का एलसीएम सेम आएगा कोस थीटा, तो यहाँ न्यूमरेटर में वन माइनस साइन थीटा और ये इसका होल स्क्वायर। अब आंसर में वन माइनस साइन थीटा आ रहा है न्यूमरेटर में, लेकिन इसकी ए की पावर आ रही है, और यहाँ पर अपने पास न्यूमरेटर में इसकी पावर है टू, तो इसको आप पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर लोगे वन माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में कोस
स्क्वायर थीटा। अब देखो अपॉन में वन प्लस साइन थीटा की पावर आ रही है एक, और जो न्यूमरेटर में आ रहा है वन माइनस साइन थीटा की एक पावर, तो यहाँ वन माइनस साइन थीटा की अपने पास पावर है टू, और अपॉन में कोस का बनाना है अपने को साइन के फॉर्म में, तो कोस स्क्वायर इस फर्स्ट आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग कोस स्क्वायर होता है वन माइनस साइन स्क्वायर, तो इस कोस स्क्वायर की जगह लिख देंगे अपन वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और न्यूमरेटर में है वन माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब कई बच्चे इन दोनों को एक जैसा मान लेते हैं, ये तो वन माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर है और ये वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा है। अब कई क्या करते हैं, वन माइनस साइन स्क्वायर को वापिस कोस स्क्वायर लिख लेते हैं, तो आपको ये वापिस ये नहीं लिखना है, क्योंकि ये लिखने पे तो फिर इक्वेशन वापिस ये आ जाएगा, तो आपको यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म लिखना है, तो ये जैसे वन का स्क्वायर है यहाँ पे, तो वन का स्क्वायर वन होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म क्यों लिखेंगे, ताकि इसकी जो एक पावर ऐसे कैंसिल हो जाएगी, वन माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में इसको लिख देंगे ए प्लस बी और ए माइनस बी। आपने पीछे जो क्वेश्चन किए थे उसमें आपने इस फॉर्म का ये बनाया था, लेकिन अब उसका ये इनवर्स बना रहे हैं। अब ये वन माइनस साइन थीटा है, यहाँ पे पावर है टू, यहाँ वन माइनस साइन थीटा है, तो ये वन माइनस साइन थीटा इसके एक पावर को कैंसिल कर देगा। अब जो रिमेनिंग पार्ट है वो वन माइनस साइन थीटा अपॉन वन प्लस साइन थीटा, तो ये आंसर बनाना था ये राइट हैंड साइड हैंड्स प्रूव। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करने हैं। आगे एग्जांपल नंबर सिक्स, साइन थीटा अपॉन वन प्लस कोस थीटा प्लस वन प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, आंसर ये कराना है टू कोसेक थीटा। एक ऐसा क्वेश्चन नाइन्थ क्लास में भी होता था जिसमें ये होता था कोस थीटा अपॉन वन प्लस साइन थीटा, वन प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और आंसर लाना था टू सेक थीटा। तो ये सेम उसी पैटर्न से क्वेश्चन करना है, ये साइन कोस में तो कन्वर्ट किया हुआ है, अब आपको यहाँ पे डायरेक्ट इसका एलसीएम लेना है, तो एलसीएम लेंगे तो ये दोनों डिफरेंट है इसके डिनोमिनेटर, तो एलसीएम आएगा वो इसका मल्टीप्लाई आ गया वन प्लस कोस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा, ये इसका एलसीएम आ गया। अब वन प्लस कोस थीटा का इसमें डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो गया, बच गया साइन थीटा का मल्टीप्लाई साइन थीटा से ही होगा, तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा का इसमें डिवाइड करेंगे, ये कैंसिल हो गया, बच गया वन प्लस कोस थीटा, वन प्लस कोस थीटा का मल्टीप्लाई वन प्लस कोस थीटा से ही हो रहा है, तो ये वन प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर। अब न्यूमरेटर के अंदर ए प्लस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी लग रही है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है वन का स्क्वायर हो गया वन प्लस बी का स्क्वायर, तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस टू ए बी, तो 2 इंटू वन इंटू कोस थीटा होगा, तो ये हो गया 2 कोस थीटा अपॉन में 1 प्लस कोस थीटा मल्टीप्लाई में साइन थीटा। अब यहाँ पे आइडेंटिटीज बन रही है साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर को अगर आप आस पास लिखते हो तो ये दोनों मिलकर के फर्स्ट आइडेंटिटीज के अकॉर्डिंग 1 होता है, तो आपको ये नेक्स्ट लाइन में ये पहले लिखना होगा साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर को पास पास लिखोगे आप तो उसके इक्वल में आप लिख दोगे 1 प्लस एक ये 1 है और प्लस 2 कोस थीटा अपॉन में 1 प्लस कोस थीटा का मल्टीप्लाई हो रहा है साइन थीटा से। अब 1 और 1 हो जाएगा 2, 2 प्लस 2 कोस थीटा अपॉन में 1 प्लस कोस थीटा मल्टीप्लाई में साइन थीटा। न्यूमरेटर में दोनों से 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन आने के बाद यहाँ फर्स्ट जो इससे बच गया 1 प्लस 2 कोस थीटा से 2 कॉमन आ गया, तो बच गया कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा मल्टीप्लाई में साइन थीटा। अब देखो 1 प्लस कोस थीटा न्यूमरेटर में है, 1 प्लस कोस थीटा डिनोमिनेटर में है, तो ये दोनों हो गए कैंसिल, तो आपके पास रिमेनिंग पार्ट बच गया 2 अपॉन साइन थीटा, तो इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो 2 इंटू 1 अपॉन साइन थीटा, क्योंकि अपने को कोसेक बनाना है इसका, तो 1 अपॉन साइन थीटा होता है कोसेक थीटा, तो 2 कोसेक थीटा इज इक्वल टू आर एच एस, हैंस प्रूव। एग्जाम्पल नंबर 7, 7, 8 और 9 तीनों एग्जाम्पल 2019 बोर्ड में आए हुए हैं, तो साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा, आंसर लेकर आना है टेन थीटा। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड के अंदर अब देखो दोनों जो न्यूमरेटर है इनमें से यहाँ साइन थीटा की जो डिग्री है वो 1 है, यहाँ पे डिग्री 3, तो इन दोनों से साइन थीटा कॉमन आ सकता है, तो आपने यहाँ पे कॉमन ले लिया साइन थीटा, तो साइन थीटा कॉमन आने के बाद यहाँ साइन थीटा कॉमन आ गया तो 1 माइनस यहाँ साइन क्यूब था तो 1 साइन थीटा कॉमन आ गया है, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा हो गया है। अब अपॉन में
इन दोनों से जो कॉमन आ रहा है वो कोस थीटा आ रहा है, तो कोस थीटा कॉमन आने के बाद यहाँ पे बच गया 2 कोस स्क्वायर थीटा, आगे माइनस कोस थीटा कॉमन आ चुका है तो ये 1। अब देखो आंसर में आपको लेकर आना है टेन थीटा, तो टेन थीटा है वो इतने पार्ट से बन रहा है, तो इसका मतलब बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है वो कैंसिल हो रहे दोनों, तो इसको कैंसिल करने के लिए दोनों को एक जैसा बनाना पड़ेगा। ये दोनों इलेवंथ क्लास में cos 2 थीटा के फॉर्मूले हैं, तो एक जैसा बनाने के लिए आपको जो ये दोनों वन है इसकी जगह पे ये फर्स्ट वाली आइडेंटिटी अप्लाई करनी पड़ेगी, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, इन दोनों वन की जगह पर लिखेंगे तो ये sin थीटा। अब यहां तो वन है वो स्टार्टिंग के अंदर है, तो आपको नया कोई ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये प्लस का ही है, तो इस वन की जगह लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस, और इस आगे जो माइनस का है टू साइन स्क्वायर थीटा, टू साइन स्क्वायर थीटा, अब अपॉन में कोस थीटा, टू कोस स्क्वायर थीटा, यहां पे अपने इस माइनस से बाद में है ये वन, तो आपको यहां पे ब्रैकेट लगाना पड़ेगा क्योंकि वन से पहले माइनस है, अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो ये दोनों साइन वो चेंज नहीं होंगे, तो वन से पहले माइनस है तो आपको ये वन की जगह ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाते हो तो ये माइनस की हो जाए, यहाँ ये माइनस का होगा और ये कोस स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, तो ये आंसर है वो गलत हो जाएगा। इसलिए जब भी वन की जगह आप ये आइडेंटिटी लगा रहे हो तो आप ध्यान रखना वन वो पॉजिटिव है तब तो ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, अगर वो नेगेटिव है तो उससे पहले आपको ब्रैकेट लगाना है। अब न्यूमरेटर के अंदर साइन थीटा टू साइन ये कोस स्क्वायर थीटा देखिए यहाँ पे, तो ये कोस स्क्वायर थीटा, अब देखो ये टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस का है और ये है प्लस का, तो इसमें से सब्ट्रैक्ट होगा, तो टू में से ये वन सब्ट्रैक्ट होने पर माइनस का बच गया साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कोस थीटा, अब ये टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस का जब मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट से तो साइन स्क्वायर थीटा तो माइनस का हो गया और ये कोस स्क्वायर थीटा भी हो गया माइनस का, अब टू कोस स्क्वायर में से ये वन कोस स्क्वायर सब्ट्रैक्ट होगा तो वन कोस स्क्वायर बच जाएगा, तो ये न्यूमरेटर वाला तो सेम साइन थीटा कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में ये कोस थीटा, और टू कोस स्क्वायर में से वन कोस स्क्वायर सब्ट्रैक्ट होगा तो ये वन कोस स्क्वायर बच गया माइनस का ये साइन स्क्वायर। अब जो दोनों ब्रैकेट में वैल्यू लिखी है वो दोनों के दोनों सेम है, तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगी, अब जो रिमेनिंग पार्ट है वो अपने पास है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है टेन थीटा, तो इज इक्वल टू आर एच एस। तो आपको जो भी आइडेंटिटी लगा रहे हो वो आपको आगे ब्रैकेट में लिखनी है एग्जाम के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है, तो अभी मैं आइडेंटिटी सिर्फ बोल रहा हूं आपको वो एग्जाम में लिख करके दिखानी है। एग्जांपल नंबर 8 1 प्लस sec थीटा अपॉन sec थीटा, आंसर लाना है sin स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस cos थीटा, इसका सॉल्यूशन 1 प्लस sec थीटा अपॉन ये sec थीटा है LHS में, तो इसका LHS है वो sin और cos में आ रहा है, तो इस sec थीटा को आप cos में कन्वर्ट कर दीजिए, तो इस sec थीटा को लिख देंगे ये 1 प्लस sec थीटा को लिख दिया 1 अपॉन cos थीटा, और अपॉन में जो sec है इसको लिख दिया 1 अपॉन cos थीटा। अब जो न्यूमरेटर में है इसको अपन LCM लेके सॉल्व करेंगे, तो 1 और cos थीटा का LCM आ जाएगा cos थीटा, तो 1 का डिवाइड करेंगे तो ये cos, cos का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो cos थीटा प्लस cos थीटा का cos थीटा में डिवाइड करेंगे 1, 1 का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1, और अपॉन में ये 1 अपॉन cos थीटा है, इस cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो गया तो अपने पास बच गया सिर्फ 1 प्लस cos थीटा, ये बचा है। अब LHS से डायरेक्ट RHS नहीं आया है, या तो आपको इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अगर आप डायरेक्ट RHS लाना चाहते हो तो इसका मल्टीप्लाई यहाँ देखो ओनली 1 प्लस cos थीटा, ये न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में आंसर में 1 माइनस cos थीटा लेकर आना है, तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 1 माइनस cos थीटा से, अदरवाइज थोड़ा सा इजी फॉर्म है, आप राइट हैंड साइड लेकर के उसका लेफ्ट हैंड साइड बना दीजिएगा, तो राइट हैंड साइड है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस cos थीटा। अब इस साइन स्क्वायर थीटा की जगह आपको यहाँ पे लिखना है साइन स्क्वायर जो थीटा है उसको अगर आप यहाँ पे रखते हो तो ये 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा हो जाता है, तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह लिख देंगे 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा और अपॉन में 1 माइनस cos थीटा है, तो यहाँ 1 को लिख देंगे 1 का स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बन गई है, तो ए प्लस बी ए माइनस बी,
अपॉन में 1 माइनस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा से 1 माइनस कोस थीटा हो गया कैंसिल, तो रिमेनिंग पार्ट है वो 1 प्लस कोस थीटा है, तो ये एलएचएस और आरएचएस दोनों हो गए सेम, तो एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस इज इक्वल टू 1 प्लस कोस थीटा, हेंस